दर्शकों नमस्कार, सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। आज की हलचलों के साथ मैं आपके साथ हूं धर्मेंद्र बज। आइए सबसे पहले नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। बरखेड़ा गिरत गांव के पास ट्रक की टक्कर से एक ऑटो हुआ दुर्घटनाग्रस्त। घटना में दबने से एक की हुई मौत, एक व्यक्ति हुआ घायल। गुना बार एसोसिएशन के चुनावों में प्रशांत सिंह सिसोदिया बने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष। वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने एक वोट से कश्मकश भरे चुनाव में सचिव का चुनाव जीता। मजर आलम बने उपाध्यक्ष। कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव कार्यक्रमों के दौरान हुई कई विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज श्लोक पाठ, स्वरचित कविता, तात्कालिक भाषण, सुगम संगीत व एकल नृत्य प्रतियोगिताओं के साथ हुआ वार्षिकोत्सव का समापन। यातायात पुलिस की लगातार तीसरे दिन भी चालू रही कार्रवाई। बाहर से आकर गुना में चल रहे 35 से अधिक ऑटो चालकों को पकड़कर जांचे उनके दस्तावेज। दुकान के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी कर सामान बेचते हुए दुकानदार ने दोनों कर्मचारियों को पकड़ा रंगे हाथों। पुलिस को बुलाकर दोनों कर्मचारियों से की पूछताछ। गुना जिले के 3 प्रधान आरक्षकों और 3 आरक्षकों का जिले के बाहर हुआ ट्रांसफर। पुलिस मुख्यालय भोपाल से भेजे गए आदेश। कलेक्ट्रेट में आधार केंद्र के बंद रहने से नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया चक्का जाम। आरिका सोमनंदी माता जी का सत्संग आज गुना शहर में हुआ मंगल प्रवेश। हनुमान चौराहे से गुना जैन समाज ने की माता जी की अगवानी। आरोन क्षेत्र में कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले आरोपी को जेएमएफसी गुना ने सुनाई कठोर कारावास की सजा। मामला 6 साल पुराना। आगर में नगरीय विकास एवं आवास निर्माण मंत्री जयवर्धन सिंह तथा लोक स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने नवनिर्मित 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का तथा ट्रामा सेंटर के किया लोकार्पण। कल नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह रावगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का करेंगे विधिवत शुभारंभ। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार पधारेंगे गुना। गुना के कई कार्यक्रमों में कल लेंगे भाग। गर्भवती महिला को लेने जा रही संजीवनी 108 के स्टाफ ने सजगता दिखाते हुए एम्बुलेंस में ही महिला की करवाई डिलीवरी। महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ने पर परिजनों की रजामंदी के बाद करवाया प्रसव। लीडर्स क्लब के 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज लीडर्स क्लब के सदस्यों ने आदिवासी कन्या छात्रावास पहुंचकर छात्राओं को कराया भोजन और उन्हें वस्त्र तथा उपहार आदि भी किए प्रदान। अमूमन कलेक्ट्रेट का आधार केंद्र जो है वो रोज खुलता है और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए विभिन्न जो ग्रामीण है वे अपने आधार अपडेशन, आधार बनवाने की प्रक्रियाओं को यहाँ शुरू करते हैं। हालांकि यहाँ पर आधार केंद्र पर काफी देर इनको लगती है, लेकिन आज वो हद तब हो गई जब ग्रामीण यहाँ लगातार इंतजार करते रहे और आधार केंद्र था कि वह खुला ही नहीं। काफी देर तक इंतजार करने के पश्चात जब ग्रामीणों का जो उत्साह था और उनमें जो बेसब्री थी वो जब अति हो गई तो उसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर जाकर धरना दिया और चक्का जाम कर दिया। काफी देर बाद अधिकारियों के पहुंचने पर और उनके समझाए जाने पर वे माने और इसके पश्चात वापस गए। पता क्या समस्या आ रही है आपको? आधार के लिए समस्या आ रही है। सुबह 5 बजे आते हैं, लाइन में लग जाते हैं 9-10 बजे तक। उसके बाद में बोलते हैं जाओ घर, आपका आधार नहीं बनेगा। हम कम से कम 15 दिन से आ रहे हैं डेली, यही समस्या आ रही है। क्यों नहीं बनेगा? पहले से कोई नोटिफिकेशन भी नहीं था। क्यों नहीं बनेगा? कलेक्टर साहब के पास गए तो वो छुट्टी पे रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो आप लोगों ने बात करी तो क्या बोलने लगे? अभी गए थे लेडी से, सब लोग बात करी तो कोई जवाब नहीं आया, बात मिले नहीं। क्या समस्याएं आ रही हैं आपको आधार नहीं बनने? आधार बनने से कोई बैंकिंग प्रॉब्लम आ रही है, भर्ती नहीं हो रही, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी समस्या आ रही है। मतलब सारी पूरी फैमिली परेशान है कुल मिला के। पैन कार्ड नहीं बन रहा, कुछ पैन कार्ड नहीं बन रहा है, बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आधार नंबर नहीं खुल रहा, सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। आज क्या किया आप लोगों ने? आज आए सुबह 5 बजे लाइन में लगे, 9
नौ दस बजे तक, ग्यारह बजे तक लाइन लगे, खाना भी नहीं खाया, सुबह से भूखे हैं, नहीं बन रहा है, ना कोई स्लिप लगाया, पानी पानी तक कुछ नहीं, पानी भी नहीं पिया। आप लोगों ने क्या किया, क्या किया? बाकी कुछ भी नहीं किया, बैठे रहे, धक्के मुक्के खाते रहे, परेशान होते रहे। जाम भी किया है क्या? हाँ, रोड जाम किया, चक्का जाम किया, तब भी क्वेश्चन भाई। बोलने लगे जाना गड़बड़ करो कोई बंद करवा देंगे। बोलने लगे तो धक्का देने लगे बंद करवा देंगे। कम से कम ज्यादा नहीं तो 50-100 पर्ची बैठे तो ठीक है। एक महिला और आ जाओ, 40-50 महिला। गुना के अभिभाषक संघ के चुनाव में प्रशांत सिंह सिसोदिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। 416 मतों में से उन्हें 300 से अधिक मत मिले हैं और इस तरह उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की है। उनके प्रतिद्वंदी सुनील शर्मा को इतने अधिक वोट नहीं मिले, यानी अभिभाषकों का पूरा जो एक तरफा जो झुकाव था वह प्रशांत सिंह सिसोदिया की उम्मीदवारी को लेकर था। उपाध्यक्ष पद पर मजहर आलम चुने गए, वहीं सचिव पद पर कश्मकश भरा चुनाव रहा और काफी लंबी मतगणना के पश्चात और कश्मकश के बाद वीरेंद्र सिंह सिसोदिया एक मत से सचिवीय चुनाव जीत गए। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर और पूरे चुनाव कार्यक्रम के साथ मतगणना के अंतिम परिणामों को लेकर हमने बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरुण सूद से बात की और उन्होंने इस पूरे चुनाव के बारे में हमें ये जानकारी दी है। जो बार काउंसिल का जो इलेक्शन संपन्न हुआ उसके संबंध में क्या कुछ गतिविधियाँ रही और क्या उसका निर्णय रहा? कल बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, उसमें अध्यक्ष और सारी पदों पर काफ़ी गहमागहमी रही। सुबह 11 से 4 बजे तक वोटिंग हुई और उसके बाद 6 बजे से काउंटिंग शुरू हुई जो सुबह 5 बजे तक चलती है। इस वजह से बड़े उतार चढ़ाव आए, खासतौर पर सेक्रेटरी की पोस्ट पे कि वीरेंद्र सिंह सिसोदिया एक वोट से चुनाव जीते। अध्यक्ष का चुनाव लगभग एक तरफा था, जिन्होंने रिकॉर्ड हिस्ट्री कायम की और 300 वोटों से चुनाव जीता। बाकी पोस्टों के चुनाव भी काफ़ी कश्मकश थे। आने वाली कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई कि आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेंगे। हमसे जितना बन सका था हमने अपना अपना दायित्वों का निर्वाह किया। आने वाले समय में सभी लोग अपनी नई कार्यकारिणी अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे। इस वर्ष चुनाव से कुछ दिन पूर्व माननीय हाईकोर्ट के आदेश के पालन में हम जो कि बार एसोसिएशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, उसमें टैक्सेशन को भी जगह दी है, महिलाओं के लिए भी एक सचिव का पद दिया है और कार्यकारिणी में जूनियर्स को और सीनियर्स को भी पद दिया। तो गोरी नंदन जी शर्मा शरद पारा शर और मनोज श्रीवास्तव जी ने बाखूबी अपने दायित्वों का निभाया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आप सब पत्रकारों से भी अपेक्षा करता हूँ समय समय पर हमारी जो गतिविधियाँ हों उसको जनता के समक्ष लाए जिससे सत्य की जीत हो, ये मेरी कामना। आप साबित कर रहे थे सर अध्यक्ष के पद को, नए अध्यक्ष के लिए क्या कुछ चुनौतियाँ रहेंगी आपके अनुसार? निश्चित रूप से चुनौतियाँ तो जीवन भर रहती हैं, नए अध्यक्ष के लिए जो भी चुनौतियाँ होंगी उसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। चुनौतियाँ कुछ खास नहीं होती, कुछ सुविधाओं का रहता है, कुछ लाइब्रेरी का रहता है, कुछ बार बेंच के बीच कभी कभी संबंधों का किसी कारणवश समन्वय नहीं हो पाता तो उनका समन्वय स्थापित करना हमारी ड्यूटी रहती है। क्योंकि इस बार एसोसिएशन के हम जिम्मेदार अधिक वकील भी हैं और 25-27 साल से वकालत भी कर रहे हैं, तो चूँकि ये बार एसोसिएशन हमारी माँ जैसी है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इस बार एसोसिएशन को जितना अच्छा हम करेंगे, जितनी रिस्पेक्ट हम जजों की करेंगे उतनी रिस्पेक्ट समाज में जजों की भी होगी और साथ में वकीलों की भी होगी। राहुगढ़ से ब्यौरा की तरफ जा रहा गोभी से भरा हुआ एक ऑटो ट्रक की टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जाता है कि ऑटो जब जा रहा था तो पीछे से ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी और यह घटना अल सुबह की है, लगभग 6 बजे के आसपास की है। इस दौरान ये दोनों जब ऑटो जब पलटा है तो उस स्थिति में एक व्यक्ति ऑटो के नीचे दब गया और एक ऑटो से दूर फेंका गया, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के पश्चात ट्रक चालक ट्रक सहित फरार हो गया। कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव आयोजन के तारतम्य में विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी तारतम्य में आज वार्षिकोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन समापन के अवसर पर सुगम संगीत प्रतियोगिता, एकल नृत्य प्रतियोगिता, एकल गायन प्रतियोगिता, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता और श्लोक गायन, स्वरचित कविता पाठ जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 3 दिवसीय कार्यक्रमों के दौरान सभी छात्राओं ने विशेष रूप से अलग अलग जो प्रखंड थे उन प्रखंडों में हुई प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार आगामी कुछ दिनों में एक समारोह के दौरान दिए जाएंगे।
तक चल रही है। 11 तारीख को हमारे यहाँ क्रीड़ा की सभी गतिविधियाँ हुई, जिसमें चेयर रेस हुई, बाधा दौड़ हुई, स्लो साइकिल रेस हुई, 100 मीटर की प्लेन दौड़ हुई, रस्सी कूद हुई, गोला फेंक हुई, डिस्कस थ्रो हुई। इस तरह से सभी छात्राओं के द्वारा 11 तारीख को क्रीड़ा की प्रतियोगिता आयोजित हुई। उसके दूसरे दिन कल हमने सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों से मिला जुला कल का दिन रहा। उसमें छात्राओं ने मेहंदी, रंगोली, पाक कला, नमकीन मीठे व्यंजन, विभिन्न प्रांतों की वेशभूषा, साड़ी आदि की प्रतियोगिताएँ की। उसमें हमने बाहर की जो निर्णायक तस्नीम अख्तर मैडम, उनको आमंत्रित किया था। और आज अंतिम दिवस तीसरे दिन हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम हमने पूरी तरह से रखा। आज छात्राओं ने श्लोक पाठ किया, स्वरचित कविता पाठ किया गया, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। और अभी हाल ही में आपने देखा, एक हमने 1 मिनट प्रतियोगिता भी रखी थी, जिसमें छात्राओं के ज्ञान की परीक्षा होती है गति के साथ में। और अभी आज की अंतिम विधा आपने देखी है कि सुगम संगीत के अलावा हमने एकल नृत्य की प्रतियोगिता भी आयोजित की है, और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी की है। आज ये अंतिम दिवस है वार्षिक उत्सव का, निकट भविष्य में हम इसके पुरस्कार वितरण भी करेंगे। यातायात पुलिस की कार्रवाई आज भी लगातार तीसरे दिन जारी रही। आज भी नो पार्किंग जोन में खड़े हुए वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही साथ उन ऑटो चालकों को भी जांच के घेरे में लिया गया जो गुना के बाहर से आए हुए हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन गुना में नहीं है, और उनके कागजात जांचे गए। लगभग 35 ऐसे ऑटो पुलिस ने चिन्हित किए और उनके कागजात की जांच की। आज जैसा कि आपको विदित है कि हम पिछले 3 दिन से नो पार्किंग और अवैध ऑटो के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नो पार्किंग की कार्रवाई भी है, और ऐसे ऑटो हैं जो बाहर के हैं या यहाँ के हैं तो उनके पास दस्तावेज नहीं है, ऐसे ऑटो के खिलाफ हमने एक अभियान चलाया है जिसमें लगातार चेकिंग करते हैं। और 35 ऑटो की कार्रवाई पहले कर चुके हैं और आज लगभग 15 से 20 के बीच में ऑटो पकड़े हैं। उनके दस्तावेज चेक करेंगे, अगर कोई कमी होती है तो उनको संबंधित विभाग RTO अथवा न्यायालय में कर सकते हैं। शहर के एक दुकान पर दुकान के कर्मचारी धोखाधड़ी कर दुकान के सामान को अलग अलग रूपों में बाहर किसी दुकानदार को बेच रहे थे। पिछले काफी दिनों से सिलसिला चल रहा था, लेकिन दुकानदार मालिक ने इस धोखाधड़ी को रंगे हाथों आज पकड़ लिया, और उसके पश्चात यातायात पुलिस और पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस के सामने ही उनसे पूछताछ करवाई और ये कबूल करवाया कि वे पिछले काफी दिनों से ये काम कर रहे हैं। पैसे तो दिए होंगे तुम्हें, देखो अभी भी बता दो, अभी तुम्हें कोई कहीं नहीं ले जाएगा। मैम मैं आपको रिटर्न कॉल लगा रहा हूँ, आप देखो मेरी तरफ, तुम तो अगर गाँव पता है तो हमें लेके चलो। एक महीने पहले आया वो तुम्हारे पास, अब कब आया था इसके बाद, आजकल में ही आया ना, आजकल में आया तो फोन तो किया होगा उसने तुम्हें, तो आपने पेटी बना के रखी थी पहले, आए और दे बस। और उसने पैसे भी तुम्हें बाद में ही दिए होंगे, इन सबके सामने तो दिए नहीं होंगे, तब भी तो मिला होगा फोन नंबर। सकल बनवा दो, हटा बात खत्म करो, सकल बनवा दो। बताए सब क्या क्या घटना हुई? नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक जैन। कहाँ पे दुकान है? आनंद प्रोविजन का नाम है, नीचला बाजार में। क्या घटना के नाम हुआ आपकी दुकान? यार असल में क्या है, ये दो कर्मचारी दुकान में काम करते हैं, ये काफी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है विश्वसनीय थे कर्मचारी, करते रहते हैं, इन्होंने किसी बालक से सेटिंग कर ली होगी। उसमें क्या करते थे, 200-300 रुपए की जो पेटी आती कार्टून टोस का, उसमें टोस निकाल के बाहर रख के, और जो कीमती सामान है अपना 200-250 रुपए वाले आइटम, उसमें करीब 15-20 हज़ार रुपए की पेटी बनाई उसको, उसमें टेप लगाया और उठा के पकड़ा देते 300 रुपए में। 300 रुपए मतलब किसी ग्राहक को देते? हाँ, ग्राहक को देते, पहचान वाले, जान पहचान का, कोई सेटिंग कर रखी थी उसका, ये पता नहीं रहा नाम वगैरह। कैसे पता चला? आज मैंने पकड़ लिया रंगे हाथ, उस लड़के को भी पकड़ लिया था, वो मुझे धक्का दे के काउंटर पे थे। तो ये करीबन कब से मतलब कर रहे होंगे? मुझे तो डाउट ये है कि कम से कम 6 महीने से तो कम से कम ये कर ही रहे। तो आपके पास काम करते करते कितना टाइम हो गया? ये दो साल डेढ़ साल, दो साल से। क्या नाम है इनका? एक का नाम है राजकुमार साहू, मोनू राजकुमार साहू, और दूसरे का नाम है मुनेश अहिरवार।
अर्घ्य सोम नंदी माता जी का सत्संग प्रवेश आज गुना में हुआ। आज सुबह वे शाडोरा से चलकर केंट पहुंची, केंट में उनकी आहारचर्या हुई और उसके पश्चात दोपहर 4 बजे अरिका संघ की हनुमान चौराहे से गुना जैन समाज ने अगवानी की। इस मौके पर सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष संजीव जैन, उपाध्यक्ष अनिल जैन बड़को सहित भारी संख्या में जैन धर्मावलंबी अगवानी के लिए उपस्थित थे। नगरीय विकास एवं आवास निर्माण मंत्री जयवर्धन सिंह तथा परिवार कल्याण तथा लोक स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने आज आगर मालवा में नवनिर्मित 200 बिस्तरों के अस्पताल का तथा एक ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण किया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे और सभी ने इस लोकार्पण पर खुशियां जताई। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस ने सजगता पूर्वक कार्य करते हुए अचानक प्रसव पीड़ा बढ़ने से वहां पर गर्भवती महिला की जो प्रसव था वह एम्बुलेंस में ही संपन्न करवाया। इस आशय की रजामंदी पहले एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने परिवारजनों से ली और उनकी रजामंदी मिलने के पश्चात उन्होंने बीच रास्ते में ही गर्भवती महिला का प्रसव करवा दिया। हमारे एम्बुलेंस 108 संजीवनी के जो हमारे शिवकांत उपाध्याय हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि किस प्रकार से संजीवनी के इन कार्यकर्ताओं ने पूरी सजगता के साथ और उत्साह दिखाते हुए इस कार्य को किया। लीडर्स क्लब ने अपने 5वें स्थापना दिवस के मौके पर आज आदिवासी कन्या छात्रावास पहुंचकर वहां पर छात्राओं को भोजन कराया और उसके साथ उन्हें वस्त्र और अन्य उपहार भी प्रदान किए। इस मौके पर लीडर्स क्लब के शैलेंद्र जैन पाटे और अध्यक्ष अतुल अग्रवाल ने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और लीडर्स क्लब की इस उपलब्धि के बारे में बताया। तो दर्शकों, आज की हलचलों में आप बस इतना ही। कल फिर नई हलचलों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी धर्मेंद्र बंश को दीजिए अनुमति। आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे कार्यक्रम बिजनेस प्लस की दुनिया में। हमारे कंप्यूटर एडिटर कैलाश कुशवाहा, कैमरामैन देवेंद्र और पवन कुशवाहा के साथ।